तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज आपको मैं बहुत बड़ी खबर जो है सबके मन में है वो आपको बताने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या कुछ नियम या कुछ नए कुछ ऐसा आए हैं। तो यस, हाँ, आपको कुछ इसमें कुछ पता होना चाहिए। इसे बहुत कुछ फैसला लिया भी गया है और जारी भी है। तो जो अगर मैं कहूँ HOD जो मिनिस्ट्री में हुई एक मीटिंग हुई थी कि अभी स्कूलों को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा, ये पहले बात थी। बट क्योंकि 31 अगस्त तक तो बंद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है, बट इसके बाद यानी 1 दिसंबर से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बड़ा मतलब कि ये जारी किया गया है कि 1 सितंबर तक क्या किया जाएगा, 31 अगस्त तक तो बंद किया जाएगा, 1 सितंबर तक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा कि वो अपने अपने राज्य में किस तरह से स्कूल खोलना चाहेंगे। अपने हालात अभी भी गंभीर है, ऐसे में अभी किसी भी विकल्पों के साथ इन्हें स्कूल खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो कमेटी ने पहले इस विकल्प पर विचार किया था कि 1 सितंबर में हाई स्कूलों के चरणों में खोले जाएंगे और 3 महीने तक चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं को खोला भी जाएगा। बट जैसे आप देख रहे हो रशियन में निकला भी है वैक्सीन, सो मतलब जो भी हो रहे ठीक भी हो रहे हैं। इस ईयर को पहली बात तो जीरो ईयर यानी लीप ईयर तो नहीं माना जाएगा, मतलब कि सॉरी जीरो यानी गैप ईयर नहीं माना जाएगा, इसको ना के बराबर नहीं माना जाएगा। इसको इसके सेशन तो भी चल रहे हैं, कुछ स्कूल चला भी रहे हैं तो, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इसमें जो डेट को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, पर एक मॉडल के तौर पर इस पर बातचीत की गई थी और कई राज्यों ने भी स्कूलों को खोलने के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। और अधिकारियों के अनुसार हालात की जो समीक्षा है नियमित रूप से होगी और अब हालात वास्तव में सामान्य होंगे तो इस बार में सभी से सहमति लेकर स्कूलों को खोलने पर फैसला होगा। और वही सोमवार को PM नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के जो CM हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग भी की थी और इनमें बिहार, UP, महाराष्ट्र, असम, केरल और कर्नाटक के CM शामिल थे। चर्चा के दौरान कोरोना के हालात पर भी चर्चा हुई थी। तो इसे देख कर लगता है कि 1 सितंबर में चरणों के ऊपर खोला जाएगा। चरणों मतलब क्या होता है, सॉरी जो फर्स्ट खोला जाएगा 9th, 10th, 11th का नहीं खोला जाएगा, बिकॉज अभी तो एडमिशन हो रहे हैं और उनको चलने में टाइम हो जाएगा, मतलब कि होने में थोड़ा बहुत, एडमिशन तो अभी चल रहा है प्रोसेसिंग में, तो जब उनका सेशन स्टार्ट होगा तो कम से कम अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट अभी 9th, 10th, 12th को खोला जाएगा, फिर इसके बाद 6th to 8th, फिर इसके बाद 1st to 5th, फिर बाद में आएगा प्री प्राइमरी। सो इसी तरीके से खोला जाएगा और भी जो भी अपडेट रहेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो इतना तो मान के चलिए कि आपको फर्स्ट जो है सितंबर से कुछ चरणों में स्कूल खोले जाएंगे, हमारी जो वर्षा गायकवाड़ है उन्होंने भी कहा है। और हमारे जो महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने एक TV होस्ट के द्वारा बार बार पूछे जाने के द्वारा, मतलब उन्होंने एक कह दिया था कि इसको जीरो ईयर बोलेंगे, लेकिन उन्हें मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा, होस्ट ने बार बार पूछा था इसके लिए। बाकी जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी कहा है वर्षा गायकवाड़ ने कि हम स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, बट उन्होंने अगस्त में क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से 31st तक बंद कर दिया इसके लिए, वरना बिहार ये सब जो है सब ओपन करने के लिए रेडी हुए थे। तो फर्स्ट सेप्टेम्बर से लग रहा है खुल जाएगा और क्योंकि इस पर बातचीत भी शुरू है, ठीक है। अनलॉक 3.0 के हिसाब से ये भी थोड़े बहुत खोले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस बार नहीं खोले जाएंगे तो समझो कि लेट हो जाएगा तो सेशन पूरी तरह से बैंड हो जाएगा। और कहूँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, UP की बात तो बहुत अच्छे से हो रही है क्योंकि UP में जो BEO का एग्ज़ाम 16 को होने वाला है और फर्स्ट BEd का एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली हो चुका है, सक्सेसफुल तरीके से हो चुका है, जिसको जो बोलना था। देखो कोरोना तो वैसे भी फैलेगा, न करो या करो, ठीक है, वैसे भी फैल रहे हैं। आप बोलिए कितने एकदम सब पहले बंद था तो भी कितने सारे थे, आज भी थोड़े बहुत खुले तो भी उतरेंगे, ठीक है। तो कुछ सब कुछ बंद करके बैठ जाना ये सही नहीं होगा, इसलिए कुछ से कुछ फैसला लेते रहना है, गवर्नमेंट भी ले रही है और आपको भी कुछ करना है। तो अभिभावक से भी पूछा गया था कि, लेकिन तो भी अभिभावक के तौर पे सब ने कहा था खोलने के लिए, बट हाँ कोरोना वायरस की वजह से 31st तक बंद किया गया है। बट इतना तो मैं कंफर्म कहूँगा कि 1 सितंबर से कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी स्टेप बाय स्टेप में ओपन होंगे। और आप सबको पता है कि NCERT की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हुई थी और उसी को भी इसके बाद कनेक्ट किया जाएगा और स्कूल सब ओपन किया जाएगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू, हमारे चैनल के साथ बने रहें।